आज हम लोग शीला टावर में, हर तरफ इलेक्शन की चर्चा है और यहाँ भी एक तो अलगाव मीटिंग हो रही है, यहाँ जाइए इलेक्शन इलेक्शन। सर आपका पूरा नाम? सर नारायण चंद्रपति जी सर, कन्वेनर बिजू परिवार उड़ीसा जी सर। आज जो आप लोगों ने प्रोग्राम किया प्रेस मीट, इसका मुख्य कारण था और क्या उद्देश्य? इसका मुख्य कारण था मौजूदा जो जनरल इलेक्शन चल रहा है इसमें संबलपुर का जो लोकसभा प्रार्थी, दोनों जो प्रमुख दल का है अपना बीजेपी बीजेपी कांग्रेस जी, इसका अपना बातचीत हुआ। तो आज जो सब तरफ से दिखा जा रहा है कि जो बीजेपी का जो प्रार्थी है वो ढेंकानाल में क्यों खड़ा नहीं हुए, संबलपुर में क्यों खड़ा जी सर, बॉबी बाबू जो जाजपुर में खड़ा नहीं होंगे संबलपुर में खड़ा हुए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है ढेंकानाल में बॉबी बाबू का जो 7 असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, कहीं पर भी उनका MLA नहीं है, जिला परिषद नहीं है, NEC म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन नहीं है, कोई उनका कुछ नहीं है, पूरा वो मुकू बाबू पूरा जीरो है। प्रणब प्रकाश दास जो बॉबी बाबू है वो जिनका जो जाजपुर का जो 7 असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, 7ों में MLA है, जितना NEC म्यूनसिपलिटी है सब में उनका चेयरमैन है, जितना जिला परिषद है सभी उनका है। तो आज एक हिम्मत वाला आदमी संबलपुर को चाहिए जो आगामी दिन में संबलपुर का अधूरा काम डेवलपमेंट कर सके, हिम्मत का साथ डेवलपमेंट का काम जी सर, आदमी का साथ जुड़ा रहेगा, उनका पिताजी संबलपुर का साथ जुड़े रहते, ये भी संबलपुर का जुड़ा रहेगा, ये हमारा उम्मीद रखे। और एक तरफ सर ये अपना धर्मेंद्र प्रधान जी खड़े हैं तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए वो 10 साल उड़ीसा भारत सरकार का मंत्री थे, पेट्रोलियम में काम किए हैं, अभी देखिए एजुकेशन का ये है, अभी अब फिलहाल देखिए यूनिवर्सिटी में जाके देखिए कितना प्रोफेसर का दिया। हमारा जो उम्मीद रखता है वो थोड़ा बात अच्छा बोलते हैं, बोल बात बोलते हैं, काम में इतना प्रखर नहीं, जितना एक उड़ीसा के लिए जितना डिमांड चाहिए जिस हिसाब में काम होना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं करते। तो सर जी जब से धर्मेंद्र प्रधान बने, पहले थे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, गैस मंत्री पेट्रोलियम मंत्री बने, जैसा मंत्री बने साथ ही साथ गैस और पेट्रोल का दाम बढ़ गया, हर चीज का दाम बढ़ गया, जो जो गवर्नमेंट में ना प्राइस राइज में ना स्कूल व्यवस्था में, ये मोनी डिमिनिशन बोलिए कि जो आपका एग्रीकल्चर का जो नियम अंधा कानून बना फिर वापस लिया आदमी, उसमें कोई सही राह में देश को लेने के लिए नहीं है। देखिए 24 में बोले कि एग्रीकल्चर में डबल प्रॉफिट होगा, अभी सिंगल प्रॉफिट में आदमी लोगों को पता नहीं चला जी सर, बहुत दुख का कारण है, ऐसे आदमी को आकर हम लोगों चुने। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बात सर आपसे पूछना चाहता हूँ, जब से बीजेपी ने रेलवे को संभाला तब से जो सर उसमें सीनियर सिटीजन होता था वो भी बंद हो गया सर, और MP लोगों को तो माफ है, लेकिन आप बुजुर्ग आदमी जिसके घर में माँ बाप है कहीं सफर करना होता है। ट्रेन में घूमता हूँ, सीनियर सिटीजन खत्म करके जिसका मैंने सीनियर का बहुत अपमान किया जी सर, माँ बाप को भी बेचारे तरस जा रहे बस वहाँ से। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने पति को से कई प्रकार की बातें सुनी, वो भी कहते हैं सीनियर सिटीजन को उन्होंने ख़त्म करके हर माँ बाप जो बुजुर्ग आदमी हैं उनको दिल में चोट पहुँची है, और वो भी चाहते हैं यदि चालू रहता तो आज कम से कम आदान प्रदान कहीं आना जाना होता। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।